एक वक्त था जब अफगानिस्तान पर हिंदू शाही राजवंश का अधिकार था और काबुल इसकी राजधानी थी। इसी समय 9वीं शताब्दी में ट्रांसऑक्सियाना, खुरासान व ईरान के कुछ भागों पर सामानी शासकों का राज्य था जो मूलतः ईरानी थे। सामानियों को तुर्की जनजातियों से लगातार युद्ध करना पड़ा था। इन्हीं युद्धों के दौरान एक नए प्रकार के लड़ाकों गाजी का उदय हुआ। गाजी अवैतनिक सैनिक थे। इस्लाम का प्रचार इनका कार्य था और लूटमार इनकी आय का जरिया। कालांतर में बहुत से तुर्क मुस्लिम बना दिए गए, किंतु फिर भी गैर मुस्लिम तुर्क जनजातियों के साथ मुसलमानी राज्यों का संघर्ष जारी रहा। सामानी राज्य के प्रांतीय शासकों में अलप्तगीन नाम का एक तुर्क गुलाम था। वह खुरासान व बुखारा के सामानी शासक अब्दुल मलिक का दास था। उसने आगे चलकर 962 ईस्वी में एक अर्ध स्वायत्त राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी वर्तमान अफगानिस्तान में थी। अलप्तगीन के बाद उसके कई अन्य सेनापति गजनी की गद्दी पर बैठे। इनमें से अंतिम पिराई था। पिराई के शासनकाल में ही भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन के नेतृत्व में हुआ। 977 ईस्वी में अलप्तगीन का गुलाम व दामाद सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर बैठा। इस समय हिंदू शाही राजवंश के राजा परम भट्टारक महाराजाधिराज जयपाल थे। सुबुक्तगीन के गद्दी पर बैठने के बाद से ही जयपाल आए दिन राज्य की सीमा पर होने वाली छुटपुट झड़पों से त्रस्त थे। जयपाल एक दूरदर्शी व बहादुर योद्धा थे। उन्हें भविष्य में गजनी की जमीन से उत्पन्न होने वाले खतरे का पहले ही आभास हो गया था। अतः उन्होंने एक विशाल सेना लेकर गजनी पर आक्रमण कर लिया। जयपाल की सेना ने सुबुक्तगीन के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन तभी अचानक एक बेमौसम की बर्फीली आंधी आई। दिन में ही अंधेरा छा गया। इतनी भयंकर ठंड पड़ी कि अधिकांश घोड़े व सामान ढोने वाले जानवर मर गए। जयपाल की सेना को इतने ठंडे वातावरण में लड़ने का कोई अनुभव ना था। उनकी पूरी सेना छिन्न भिन्न हो गई। दुश्मन से संधि के अलावा कोई चारा न रह गया। जयपाल ने युद्ध के हर्जाने के तौर पर सुबुक्तगीन को 10,00,000 दिरहम व 50 हाथी देने का वायदा किया। हर्जाने की रकम लाने सुबुक्तगीन के कुछ सिपाही जयपाल के साथ गए, किंतु लाहौर पहुंचकर राजा जयपाल व सुबुक्तगीन के सिपाहियों के बीच कुछ कहा सुनी हो गई। जयपाल ने संधि की अपमानजनक शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और सिपाहियों को कैद कर लिया गया। सुबुक्तगीन को जब यह खबर लगी तो उसे यह बर्दाश्त न हुआ। उसने जयपाल के राज्य पर आक्रमण कर लमगान को लूटा। जयपाल ने भारतीय राजाओं का एक संघ बना पुनः गजनी पर आक्रमण कर दिया, किंतु इस बार भी सुबुक्तगीन जीत गया। परिणाम स्वरूप लमगान व पेशावर पर उसका अधिकार हो गया। सुबुक्तगीन के दो पुत्र इस्माइल व महमूद थे। पिता के काल में महमूद खुरासान का प्रांतीय शासक था। 997 में अपनी मृत्यु से पहले सुबुक्तगीन ने अपने पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। महमूद को यह रास ना आया। उसने इस्माइल को बंदी बना राजगद्दी हथिया ली। महमूद का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। उसकी माता जबलिस्तान की एक ईरानी अभिजात की बेटी थी, इसीलिए महमूद को महमूदे जाबली अर्थात जाबलिस्तान के महमूद के नाम से भी जाना जाता है। महमूद एक साहसी व उच्च कोटि का सेना नायक था और इस्लामी मान्यताओं के अनुसार वह कट्टर सुन्नी था। वह मध्यम कद का शरीर से हष्ट पुष्ट व शक्ल पर चेचक के दाग होने से वह कुरूप हो गया था। एक बार आईने में अपना चेहरा देखते हुए उसने अपने वजीर से निराशा भरे स्वर में कहा था, बादशाह का चेहरा देखकर लोगों की आंखों की रोशनी तेज होती है, लेकिन कोई मेरा चेहरा देखे तो उसके आंख की रोशनी ही जा सकती है। 27 वर्ष की आयु में 998 ईस्वी में महमूद गजनी की गद्दी पर बैठा। बगदाद के खलीफा अलकादिर बिल्लाह ने महमूद को मान्यता दे उसे यामीन उद दौला अर्थात साम्राज्य का दाहिना हाथ व अमीन उल मिल्लत अर्थात मुसलमानों का संरक्षक की उपाधि प्रदान की। इसी कारण गजनी वंश को यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। महमूद ने सुल्तान की भी उपाधि धारण की। ऐसा करने वाला वह पहला मुसलमान था। जब खलीफा से उसने मान्यता पत्र प्राप्त किया तो उसने उसी समय प्रतिज्ञा की,
कि वह प्रतिवर्ष हिंदुस्तान के काफिरों पर आक्रमण करेगा। महमूद का दरबारी इतिहासकार उदबी अपनी पुस्तक तारीखी यामिनी में लिखता है, सुल्तान ने पहले साजिस्तान पर आक्रमण करने का संकल्प लिया, लेकिन बाद में उसने हिंद के विरुद्ध जिहाद करना ही अच्छा समझा। उसने अपने मंत्रियों की सभा बुलाकर कहा कि मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं धर्म का झंडा ऊंचा कर सकूं। इस तरह महमूद का भारत आक्रमण गाजी भावना से प्रेरित था, जिनका काम ही था इस्लाम का प्रचार व लूटपाट करना। महमूद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, इसे लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। सर हेनरी इलियट के मत के अनुसार उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया, जिसमें खैबर दर्रे के समीप के कुछ किलों पर कब्जा करने के बाद वह पीछे हट गया। अगले ही वर्ष 1001 में वह लगभग 10,000 घुड़सवारों के साथ फिर धावा बोल पेशावर के निकट आ डटा। दूसरी तरफ से हिंदू शाही राजा जयपाल 12,000 घुड़सवार, 30,000 पैदल सैनिक व 300 हाथियों के साथ मुकाबले के लिए आगे बढ़े। जयपाल ने वीरतापूर्वक गजनवी से युद्ध किया, किंतु वह हार गए। सगे संबंधियों सहित जयपाल को बंदी बनाकर सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उदबी लिखता है, उन सबको जिनके चेहरे पर कुफ्र के चिन्ह स्पष्ट दिखलाई पड़ते थे, मजबूत रस्सियों से बांधकर पापियों की भांति सुल्तान के समक्ष उपस्थित किया गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो बांधकर उन्हें नरक भेजा जा रहा है। महमूद के सैनिकों ने जयपाल के कंठ से मणि की माला उतार ली थी, जिसका मूल्य 2,00,000 दिरहम था। जयपाल को बंदी बना लेने के बाद महमूद जयपाल की राजधानी वैहन तक आगे बढ़ा और मार्ग के प्रदेशों को निर्दयतापूर्वक लूट गजनी वापस लौट गया। अंततः जयपाल को छोड़ दिया गया। बदले में जयपाल ने महमूद को बहुत सा धन व 50 हाथी देने के लिए हामी भरी। एक अपवित्र मिलेच के हाथों जयपाल को इतना अपमानित होना पड़ा जिसे वह सहन ना कर सके और बड़े दुखी हो स्वयं को चिता में भस्म कर आत्मदाह कर लिया। जयपाल की मृत्यु के बाद उनका पुत्र आनंदपाल गद्दी पर बैठा। महमूद ने अब झेलम के बाएं किनारे पर स्थित भेरा नगर पर आक्रमण कर उसे लूटा और आगे बढ़ मुल्तान तक चढ़ गया। मुल्तान पर उस समय करमाथी संप्रदाय का फतेह दाऊद शासन करता था। करमाथी सिया संप्रदाय के अनुयायी थे और कट्टर सुन्नी उनसे घृणा करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मुसलमानों का सिया व सुन्नी में बंटवारा पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद से ही हो गया था। सिया चाहते थे कि पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी उनके भतीजे व दामाद अली बने, जबकि सुन्नी चाहते थे कि अबू बकर उनकी जगह ले। आगे चलकर यह विवाद इतना बढ़ा कि इसने हिंसक रूप ले लिया। आनंदपाल ने महमूद के विरुद्ध सिया दाऊद करमाथी को सहायता दी, जिससे महमूद बड़ा कुपित हुआ। मुल्तान को जीतकर महमूद ने उसे जयपाल के एक नाती सुखपाल के सुपुर्द कर दिया और बलपूर्वक उसका धर्म परिवर्तन कर उसे मुसलमान बना दिया। मौका पाकर उसने इस्लाम त्याग महमूद के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया, किंतु गजनवी ने मुल्तान लौटकर विद्रोह को दबा दिया। 1008 में बरसात का मौसम खत्म होते होते महमूद अपनी सेनाएं लेकर आनंदपाल की ओर बढ़ा। आनंदपाल ने पड़ोसी राजाओं से मदद की अपील की। फरिश्ता लिखता है कि उज्जैन, अजमेर, कलिंजर, दिल्ली व कन्नौज की राजपूत शासकों ने आनंदपाल की सहायता के लिए अपनी सेनाएं भेजी, किंतु आधुनिक इतिहासकारों को इस कथन पर संदेह है। उनके अनुसार फरिश्ता का विवरण गजनवी की विजय के पैमाने को अतिरंजित करने की इच्छा से प्रेरित था। बहरहाल आनंदपाल की विशाल सेना महमूद की सेना से लोहा लेने के लिए रणभूमि में आ डटी। इसे वैहंद के द्वितीय युद्ध अथवा चाज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। महमूद को इससे पहले कभी इतनी बड़ी हिंदुस्तानी फौज का सामना नहीं करना पड़ा था। वह अधिक सतर्क हो गया। उसने अपने खेमे के दोनों ओर खाइयां खोद दी और हमला करने से हिचकिचाता रहा। 40 दिनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने पड़ी रहीं। आखिरकार गजनवी ने अपने 1000 तीरंदाजों को भेज युद्ध शुरू किया। आनंदपाल की संयुक्त सेना में गक्खर अथवा खोखर जनजाति के लोग भी शामिल थे। वे बड़े बहादुर थे। वे महमूद के घुड़सवारों को गाजर मूली की तरह काटने लगे।
पलक झपकते ही गजनवी के 3-4 हज़ार सैनिक जमींदोज हो चुके थे। यह देख महमूद भी घबरा गया था, किंतु तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। नाफ्था के विस्फोटों से घबरा कर आनंद पाल का हाथी पागल हो इधर उधर भागने लगा। अफवाह फैल गई कि आनंद पाल लड़ाई छोड़ भाग रहे। सेना में भगदड़ मच गई, वह भी लड़ाई छोड़ भागने लगी। इस घटना ने आनंद पाल व हिंदुस्तान दोनों की ही किस्मत का फैसला कर दिया। आनंद पाल युद्ध हार गए, उन्हें महमूद से संधि करनी पड़ी और इसके साथ ही हिंदुस्तान पर बाहरी आक्रमणों को रोकने वाली दीवार ढह चुकी थी। अब महमूद आनंद पाल के इलाकों से होता हुआ अन्य भारतीय राजाओं पर हमला कर सकता था। एक विशाल व बहादुर सेना केवल इसलिए हार गई कि उनमें संगठन व प्रशिक्षण का अभाव था। वे परंपरागत शैली में भारी भरकम हथियारों के साथ युद्ध करते थे। हाथी युद्ध के लिए अच्छे तो थे, किंतु कभी कभी वे अपनी ही सेना के लिए काल बन जाते थे। दूसरी ओर तुर्की सेना अधिक प्रशिक्षित थी, उनके हथियार हल्के थे और उनके पास मध्य एशिया के चारागाहों में विचरने वाले विश्व के सर्वोत्तम घोड़े थे। भारत के घोड़े फुर्ती व गति में उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे, अतः उन तुर्की फुर्तीले तीरंदाज घुड़सवारों का सामना करना आसान ना था। महमूद ने आनंद पाल को हरा आगे बढ़ नगर कोट के किले को घेर लिया। 3 दिन के भयंकर युद्ध के पश्चात गजनवी का नगरकोट पर अधिकार हो गया। ऐसा माना जाता है कि नगरकोट का किला कांगड़ा के समीप था। हालांकि बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि गजनवी ने आनंद पाल के नगरकोट नामक किले को तबाह किया था। गलती से इसे हिमाचल प्रदेश में स्थित नगरकोट समझ लिया गया है, जहां महमूद कभी पहुंचा ही नहीं। नगरकोट की लूट के संबंध में उद्बी लिखता है, नगरकोट की लूट में इतना धन मिला कि जितने भी ऊंट मिल सके उन पर उसे लाद दिया गया। फिर भी जो बचा रहा उसे अधिकारियों में बांट दिया गया। केवल सिक्कों का मूल्य ही 70,000 दिरहम था। इसके अतिरिक्त मोती व सुंदर वस्त्र भी अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुए। इतने सुंदर कोमल व जड़ाऊ वस्त्र महमूद के लोगों ने कभी ना देखे थे। लूट में एक सफ़ेद चांदी का घर भी मिला, जो 30 गज लंबा व 15 गज चौड़ा था। उसके विभिन्न भागों को अलग अलग करके पुनः पूर्ववत जोड़ा जा सकता था। लगातार कई पराजयों के चलते हिंदू शाही राजवंश सिकुड़कर बहुत छोटा रह गया, किंतु आनंद पाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने नमक की पहाड़ियों के छोर पर स्थित नंदन को अपनी राजधानी बना अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। यहीं शांतिपूर्वक उनकी मृत्यु हो गई। आनंद पाल की मृत्यु पर उनका पुत्र त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठा। 1010 में महमूद ने गजनी व हेरात के बीच स्थित एक छोटे पहाड़ी राज्य गोर पर भी आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। 1011 में महमूद अपनी सेना के साथ थानेश्वर की ओर बढ़ा। उसने सुन रखा था कि चक्रस्वामी की मूर्ति, जिसे फरिश्ता ने जगसोम कहा है, के कारण वह स्थान हिंदुओं के लिए बड़ा ही पवित्र था और वहां सदियों का खजाना एकत्रित था। आनंद पाल का भाई गजनवी से मिलने गया और प्रार्थना की कि थानेश्वर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, वह उसे बख्श दे। महमूद ने कहा, पैगंबर के सिद्धांतों को फैलाने वाले जितनी शिद्दत से मूर्ति पूजा के विनाश में योगदान देंगे, उसी अनुपात में उन्हें जन्नत में इनाम मिलेगा। खुदा की इच्छा के अनुरूप मेरी इच्छा समूचे हिंदुस्तान से मूर्ति पूजा को उखाड़ फेंकना है, तो फिर मैं कैसे थानेश्वर को छोड़ दूं? थानेश्वर के राजा ने चिंतित होकर अपने पड़ोसी शासकों को लिखा था, यदि इस बाढ़ को रोकने के लिए हम कोई बांध नहीं बनाते हैं तो यह समूचे मैदान में फैल जाएगी और इसमें सभी छोटे बड़े राज्य डूब जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। अक्रांता महमूद ने थानेश्वर पहुंच लूटपाट व कत्ले आम मचा दिया। शहर के मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ डाला गया। मानव के आकार की कांसे की बनी चक्रस्वामी की मूर्ति को गजनी भेज दिया गया, जहां उसे एक सार्वजनिक चौक पर फेंक दिया गया। फरिश्ता लिखता है, बहुत से स्त्री पुरुष व बच्चों को दास बनाकर गजनी ले जाया गया। सैनिकों का ऐसा कोई शिविर ना था जो लूट की दौलत व गुलामों से भरा ना हो। उद्बी लिखता है,
काफिरों का इतना ज़्यादा खून बहा कि धारा का रंग लाल हो गया और उसका पवित्र जल लोगों के पीने लायक तक न रहा। आनंद पाल के पुत्र त्रिलोचन पाल के गद्दी पर बैठने के बाद महमूद ने उसे भी संभलने का अवसर ना दिया और 1014 में उसने नंदन पर अधिकार कर लिया। त्रिलोचन पाल ने भागकर कश्मीर में शरण ली। महमूद ने उसका पीछा किया। लोहार वंश के कश्मीर नरेश, संग्राम राजा व त्रिलोचन पाल की संयुक्त सेनाओं ने डटकर महमूद का सामना किया। निराश हो महमूद को वापस लौटना पड़ा। त्रिलोचन पाल पुनः लौटकर पूर्वी पंजाब आ गए और शिवालिक की पहाड़ियों में पुनः अपनी शक्ति की स्थापना कर ली। उन्होंने बुंदेलखंड के शक्तिशाली राजा विद्याधर, जिन्हें कुछ इतिहासकारों ने गंड भी कहा है, को अपना मित्र बना लिया। 1018 में महमूद ने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि रही मथुरा की ओर कूच किया। उस समय मथुरा एक बड़ा ही समृद्धशाली नगर था। वह विशाल मंदिरों से सुशोभित था। उद्बी लिखता है, महमूद ने एक ऐसा नगर देखा जो योजना तथा निर्माण कला की दृष्टि से आश्चर्यजनक था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उसके भवन स्वर्ग के हैं, किंतु नगर का सौंदर्य शैतान लोगों की कृति का परिणाम था, इसलिए कोई बुद्धिमान उसके वर्णन को सुनकर विश्वास नहीं कर सकता था। उसके चारों ओर पत्थर के बने 1000 दुर्ग थे, जिनका मंदिरों की भांति प्रयोग किया जाता था। उसके मध्य में एक सबसे ऊंचा मंदिर था, जिसके सौंदर्य व सजावट का वर्णन करने में ना किसी लेखक की लेखनी समर्थ है और ना किसी चित्रकार की तूलिका। उस पर मन स्थिर करना व विचार करना भी कठिन है। मंदिरों में सोने की बहुमूल्य मूर्तियां थीं, उनमें से कुछ तो 5-5 हाथ ऊंची थीं और एक में 50,000 दीनार के मूल्य की लाल मणियां जड़ी थीं। अनेक मूर्तियों के नीचे गड़ा हुआ बहुत सा धन मिला था। महमूद स्वयं लिखता है, यदि कोई व्यक्ति उस जैसे भवन का निर्माण करना चाहे तो उसे 1000 दीनार की 1,00,000 थैलियां व्यय करनी पड़ेंगी और कुशल से कुशल शिल्पियों की सहायता से भी वह 20 वर्षों में भी पूरा नहीं होगा। यह सब जानने के बावजूद उस धर्मान दुर्दांत ने मथुरा के अनेक मंदिरों को ध्वस्त कर धूल में मिला दिया। नगर में जमकर हत्या, बलात्कार व लूटपाट हुआ। वृंदावन का भी यही हाल हुआ। मथुरा को नष्ट करने के बाद महमूद कभी सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी रही कन्नौज की ओर बढ़ा। कन्नौज की रक्षा के लिए उसके चारों ओर 7 किले थे, जिनकी दीवारों से गंगा का पानी छूटा था। शहर में छोटे बड़े तकरीबन 10,000 मंदिर थे। उस समय वहां गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल शासन कर रहा था। महमूद के आने की खबर सुनते ही वह भाग खड़ा हुआ। कन्नौज में भी हत्या व लूटपाट की कहानी दोबारा दोहराई गई। कन्नौज से आगे बढ़कर महमूद ने चंदल भोर के असनी के किले को लूटा। आगे वह मुंज के किले तक पहुंचा। मुंज के वीरों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने लहू की आखिरी बूंद तक महमूद से युद्ध किया। दासत्व व बलात्कार जैसे कुकृत्यों से बचने हेतु उस राज्य की सभी स्त्री व बच्चे जिंदा अग्नि में समा गए। गजनी वापस पहुंचकर महमूद ने भारत की वास्तुकला से प्रेरित हो गजनी में एक मस्जिद व कॉलेज बनवाया। वहां के अमीरों ने महमूद की इस मिसाल की नकल की और जल्द ही गजनी ऊंची ऊंची इमारतों से भर गया। मुसलमानों ने पवित्र मथुरा नगरी में जो हत्या व लूटपाट मचाई, उसे देख उत्तर भारत के कुछ प्रमुख राजाओं की आत्मा को बड़ी ठेस लगी। चंदेल राजा विद्याधर ने अपने देश व धर्म की रक्षा हेतु कुछ प्रमुख राजाओं का एक संघ बनाया और कन्नौज के राजा राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार डाला। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यपाल बिना गजनवी का सामना किए हुए कन्नौज से भाग गया था। महमूद को जब इस संघ के बारे में पता चला तो इसे तोड़ने के उद्देश्य से वह 1019 में फिर गजनी से चला। मार्ग में रामगंगा के निकट त्रिलोचन पाल ने उसका मुकाबला किया। उनको हराता हुआ महमूद बुंदेलखंड की ओर बढ़ा। चंदेल राजा विद्याधर 1,50,000 पैदल सैनिक, 36,000 घुड़सवार व करीब 640 हाथी लेकर महमूद के विरुद्ध आ डटे, किंतु अज्ञात कारणों वश रात्रि के समय वह यकायक रणक्षेत्र छोड़कर चले गए।
इस संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि दोनों के मध्य एक भयंकर किंतु अनिश्चयात्मक संग्राम हुआ था और विद्याधर महमूद का सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर रणनीतिक दृष्टिकोण से पीछे हट गए थे। मजूमदार ने लिखा है, विद्याधर ही ऐसा अकेला भारतीय नरेश था जिसे इस बात का गौरव प्राप्त है कि उसने सुल्तान महमूद की विजय पिपासा प्रवृत्ति को दृढ़तापूर्वक रोका और सहानुभूति शून्य विजेता के द्वारा विवेक शून्य विनाश से अपने राज्य को बचा लिया। 1021 में महमूद ने दोबारा कश्मीर के लौह कोट की किले को भेदने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। कश्मीर विजय का उसका सपना सपना ही रह गया। 1021 में ही महमूद ने लाहौर पर कब्जा कर उसे मलिक अयाज के हाथों सौंप दिया। उधर दूसरी ओर महमूद से हार के बाद त्रिलोचन पाल की शक्ति व राज्य पूरी तरह से शीर्ण हो गया। 1021-22 के करीब उन्हीं के किसी अनुयायी ने उनकी हत्या कर दी। त्रिलोचन पाल के बाद उनका पुत्र भीम पाल, जिसे समकालीन निडर भीम कहते थे, गद्दी पर बैठा। 1022 के अंत में चंदेलों की शक्ति का पूर्णतया नाश करने के उद्देश्य से महमूद फिर भारत आया। उसने ग्वालियर के किले पर घेरा डाल दिया, किंतु किला इतना सुदृढ़ था कि वह इस पर अधिकार न कर सका। अंततः उसने ग्वालियर के कछवा राजा से संधि कर कालिंजर की ओर प्रस्थान किया। कालिंजर को घेर लिया गया, किंतु इस पर भी वह अधिकार न कर सका। महमूद का 16वां आक्रमण भगवान शंकर की 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ पर हुआ। पौराणिक कथा है कि सोम, जिन्हें चंद्रदेव के नाम से भी जाना जाता है, उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ। चंद्रदेव अपनी पत्नी रोहिणी को छोड़कर अन्य को बराबर सम्मान नहीं देते थे। अतः एक बार प्रजापति दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। श्राप से मुक्ति हेतु चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने चंद्रदेव को श्राप मुक्त किया। तब चंद्रदेव ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसे सोमनाथ अर्थात चंद्र के नाथ कहा गया। ऋग्वेद में सोमनाथ का स्पष्ट उल्लेख है। कथाओं के अनुसार सोमनाथ का मंदिर उस स्थान के निकट ही था जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे थे। समंदर की लहरें मंदिर के चरणों को चूमती थीं। मध्यकालीन इतिहासकार लिखते हैं, हर बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अवसर पर यहाँ 100,000 लोग इकट्ठे होते थे। दूर दूर से लोग चढ़ावा लेकर यहाँ आते थे। 1,000 ब्राह्मण यहाँ दिन रात पूजा में लगे रहते थे और हालांकि मंदिर गंगा से बहुत दूरी पर था, फिर भी हर दिन सोमनाथ की मूर्ति को गंगा स्नान कराया जाता था। मंदिर के एक कोने में सोने की जंजीर लटकी थी जिसका वजन 200 मन था। उसमें घंटियां लगी हुई थी। मंदिर में 500 नर्तकियों व 200 संगीतज्ञों का निवास था। मंदिर के गर्भगृह में जहां शिवलिंग स्थापित थी, वहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। अंदर केवल एक दिया जलाया जाता था, जिसकी रोशनी वहां लगे बेशकीमती हीरे जवाहरातों से टकराकर अद्भुत प्रकाश उत्पन्न करती थी। 1025 में महमूद अपनी पैदल सेना व लगभग 30,000 घुड़सवार लेकर सोमनाथ की ओर रवाना हुआ। कहा जाता है कि इतनी बड़ी सेना का उसने पहले कभी संचालन न किया था, चूंकि उसे राजपुताना के दुर्गम मरुस्थल से होकर गुजरना था। अतः उसने प्रत्येक सैनिक को अपने साथ 7 दिन के लिए भोजन, पानी व चारा ले चलने के लिए बाध्य किया। रसद का सामान लगभग 30,000 ऊँटों पर लादा गया। महमूद की सोमनाथ पर आक्रमण के समय गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम उर्फ भीमदेव सोलंकी थे। महमूद का धावा इतना तेज था कि भीमदेव को सेनाओं को एकत्रित करने का मौका न मिल सका। अतः उन्हें पड़ोसी राजाओं से मदद जुटाने के लिए अपनी राजधानी को छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महमूद के साथ युद्ध में वह घायल हो गए थे, अतः उन्हें मदद जुटाने के लिए राजधानी छोड़नी पड़ी थी। लड़ाई शुरू हुई। महमूद के सैनिकों को शहर की दीवार लांघने में सफलता मिल गई। परकोटे पर चल रही लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी कि रात घिर आई। अगले दिन महमूद ने परकोटे पर कब्जा कर शहर में दाखिल हो गया। हिंदू अपने घर से बाहर निकल आए
और आखिरी लड़ाई के लिए मंदिर के चारों ओर जमा हो गए। हर हर महादेव के नारों से मंदिर स्थल गूंज उठा। मंदिर के अंदर करीब 50,000 लोग इकट्ठा थे। वे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और आंखों में आंसू भरकर दुखी मन से लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे थे। मंदिर के द्वार पर भयानक कत्लेआम हुआ, जिसमें कुछ ही लोग जिंदा बच सके। रात के अंधेरे ने एक बार फिर महमूद का हाथ रोक दिया। तीसरे दिन सवेरे महमूद का प्रतिरोध करने आसपास की कुछ सेनाओं की टुकड़ियां मंदिर के निकट पहुंची, किंतु वे भी महमूद को रोक न सकी। महमूद ने मंदिर में प्रवेश कर निहत्थे लोगों पर भयंकर कत्लेआम किया। मंदिर पुजारियों व श्रद्धालुओं की लाशों से पट गया। सोमनाथ के गर्भगृह में शिवलिंग चुंबक के माध्यम से हवा में लटकी हुई थी। इसकी गणना तत्कालीन महान आश्चर्यजनक वस्तुओं में की जाती थी। छत में चकमक पत्थर लगे हुए थे, उन्हें महमूद ने तुड़वा दिया। तुरंत ही शिवलिंग पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मूर्ति के बदले पुजारियों ने उसे मुहमांगा धन देने की पेशकश की थी, किंतु उसने स्वयं को बुध फरोख्त अर्थात मूर्तियों का सौदा करने वाले के स्थान पर बुध शिकन अर्थात मूर्ति तोड़ने वाला कहलाना ज़्यादा पसंद किया। फरिश्ता का कहना है कि महमूद ने सोमनाथ की मूर्ति पर गदा से प्रहार किया और मूर्ति के पेट से बेशुमार हीरे जवाहरात निकले। यह एक असंभव घटना है, क्योंकि सोमनाथ की मूर्ति एक शिवलिंग थी। हालांकि यह हो सकता है कि मंदिर के अंदर की वह कोई अन्य मूर्ति रही हो। जो भी हो, आखिरकार उस दुराचारी अक्रांता ने शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन्हें गजनी, मक्का व मदीना भिजवा दिया गया। वहां वे गलियों में और मस्जिद की सीढ़ियों पर डलवा दिए गए, जिससे नमाज के लिए जाने वाले मुसलमान उन्हें अपने पैरों तले रौंद सके। मंदिर की लूट में 20 लाख दीनार से भी अधिक का धन लुटेरों को प्राप्त हुआ। महमूद के सोमनाथ आगमन के समय राजपुताना शासकों को उसके आने की जानकारी ना हो सकी थी, अतः वह एकजुट ना हो पाए थे। किंतु उन्होंने तैयारी की कि वापस जाती सेना पर हमला कर उसका नाश किया जाए। सोमनाथ का बदला लेने के लिए अजमेर के पास राजपूत राजाओं ने एक संघ बनाया। महमूद की सेना लूट के सामान से लदी थी, वह कोई आफत मोल नहीं लेना चाहती थी, अतः उसने अपना रास्ता बदल थार रेगिस्तान के रास्ते सिंध में प्रवेश किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा भोज व उसकी सेनाओं ने महमूद का पीछा कर उसकी सेना को छिन्न भिन्न कर लूट का काफी सामान वापस ले लिया था। हालांकि यह घटना विवादित है। राजस्थानी लोक कथाओं के अनुसार राजस्थानी लोक देवता घोघा जी ने भी महमूद का प्रतिरोध किया था। इस संबंध में भी कुछ स्पष्ट नहीं है। महमूद ने जब सिंध में प्रवेश किया तो जाटों ने उस पर आक्रमण कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने गजनवी को लूट बहुत सा धन वापस ले लिया, किंतु फिर भी सही सलामत वह गजनी वापस पहुंच गया। बाद में राजा भीमदेव व मालवा के राजा भोज ने ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। हिंदूशाही राजवंश में त्रिलोचन पाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भीमपाल गद्दी पर बैठा था। 1026 में उसकी भी मृत्यु हो गई और इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत का गौरवशाली हिंदूशाही राज्य पतन की गर्त में विलीन हो गया। समकालीन एक मुस्लिम विद्वान ने उस वीर वंश के लिए लिखा था, वह उच्च भावों और उच्च आचरण के लोग थे। अपनी समूची शान शौकत में उन्होंने उचित और अच्छा कर गुजरने की इच्छा में कभी कमी नहीं आने दी। जाटों द्वारा सेना पर किए गए हमले से महमूद खिन्न था, अतः जाटों को सजा देने के उद्देश्य से उसने 1027 में आखिरी हमला सिंध के जाटों पर किया। महमूद ने मुल्तान में 1400 नावों का एक बेड़ा तैयार किया और हर नावों को तीर, धनुष व नाफ्था की बोतलों से लैस करके जाटों पर हमला करने चल पड़ा। जाटों ने महमूद की सेना का जमकर मुकाबला किया, किंतु नाफ्था के विस्फोटों ने जाटों की सेना पर कहर ढा दिया। काफी संख्या में जाट पानी में डूब गए और अपने परिवार की सदस्यों को, जिन्हें वे सिंध के द्वीप पर छोड़ आए थे, उन्हें बंदी बना महमूद गजनी वापस लौट गया। महमूद की बची बाकी जिंदगी पश्चिम इलाकों के मामलों को निपटाने में ही बीती।
वह कई बीमारियों में जकड़ गया। उसे पहले मलेरिया हुआ और बाद में तपेदिक। जीवन के अंतिम दिनों में भी उस दुर्दांत आक्रांता का धन के प्रति लोभ कम न हुआ। उसने हुक्म दिया कि उसके खजाने के सारे बेशकीमती पत्थरों को निकालकर आंगन में देखने के लिए रखा जाए। वह बड़ी लालसा से उन्हें एकटक देखता रहा। अगले दिन वह अपनी पालकी में सवार होकर अपने हाथी, घोड़ों व ऊँटों को देखने गया, जिन्हें देख वह जोर जोर से सिसकियां भरने लगा। आखिरकार 30 अप्रैल 1030 को उस दुराचारी की मौत हो गई। मरने के बाद उसे गजनी में ही दफनाया गया। 1842 में जब लॉर्ड एलन बरो भारत के गवर्नर जनरल पद पर नियुक्त हुआ, तो उसने सफलतापूर्वक अफगानी विद्रोह को दबाकर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त किया। अफगानिस्तान में एलन बरो गजनवी की मजार पर जा पहुंचा। उसने सुन रखा था कि जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था, तब महमूद सोमनाथ मंदिर के दरवाजों को अपने साथ गजनी ले गया था, जिसे बाद में उसकी मजार में लगवा दिया गया था। एलन बरो ने गजनी की कब्रगाह के उन दरवाजों को उखड़वाया और इन्हें भारत लाकर घोषणा की कि यह चंदन की लकड़ी का वह दरवाजा है जिसे महमूद लूट ले गया था। और इस तरह उसने हिंदुओं के प्रति किए गए सदियों पुराने अपमान का बदला ले लिया है। बाद की रिसर्च में पाया गया कि ये दरवाजे चंदन के नहीं हैं और सोमनाथ के दरवाजे की प्रतिकृति है। ये दरवाजा गजनी की ही देवदार की लकड़ी से बना था और इसके ऊपरी भाग में अरबी में एक लेख भी खुदा था। अंततः इस दरवाजे को सोमनाथ में दोबारा लगाने का विचार त्याग दिया गया। वर्तमान में यह दरवाजा आगरा के किले में रखा है। महमूद स्वभाव से एक धर्मांध, सहानुभूति शून्य व क्रूर शासक था, किंतु उसके काल में लूटी गई धन संपदा से गजनी गगनचुंबी इमारतों का शहर बन गया था। उसने हिंदू शाही सिक्कों से प्रेरित होकर अरबी व संस्कृत में लिखे द्विभाषी जीतल चांदी के सिक्के जारी किए। उसके दरबार में कई विद्वानों का निवास था, जिनमें फिरदौसी, अलबरूनी, उद्बी, फारकी सिस्तानी, बैहाकी, उनसूरी, फराबी व तूशी प्रमुख थे। बैहाकी ने तारीख़ बैहाकी, तारीख सुबुक्तगीन, तारीख मसूदी लिखी, जिनसे महमूद गजनवी के दरबार की जानकारी मिलती है। फारूकी ने महमूद द्वारा बनवाए गए चित्र विथिका का उल्लेख किया है। इसमें महमूद का भी व्यक्ति चित्र था। महमूद ने जब ख्वारिज्म जीता था, तो संभवतः वहीं उसने युद्धबंदी के रूप में अलबरूनी को पाया। महमूद ने अलबरूनी को अपना राज ज्योतिषी नियुक्त किया। 1017 में भारत पर आक्रमण के दौरान गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया। उसे भारत के इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। वह पहला मुस्लिम विद्वान था जिसने हिंदू ग्रंथों, उपनिषद, भगवद गीता व वेद पुराणों का अध्ययन किया। वह भगवद गीता व उपनिषदों की अति प्रशंसा करता है। उसने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया। किताब अल सैयदना अलबरूनी द्वारा लिखित दवाओं की किताब है। भारतीय ब्राह्मणों ने अलबरूनी को विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। अलबरूनी ने अरबी में लिखित अपनी पुस्तक तहकीके हिंद अथवा किताबुल हिंद में भारतीय सामाजिक परंपराओं, जाति व्यवस्था, खगोल विज्ञान, मापन विधि, मूर्ति कला, कानून इत्यादि का वर्णन किया है। अलबरूनी ने अपने लेखन में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया। आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की जाती थी। उसे संस्कृत सहित कई भाषाओं का ज्ञान था। संस्कृत के विषय में वह लिखता है, संस्कृत भाषा सीखना आसान नहीं है, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियों दोनों में ही भाषा की पहुँच बहुत विस्तृत है। भारत के विषय में अलबरूनी लिखता है, हिंदू अपना ज्ञान दूसरों को देने में बड़ी कंजूसी करते हैं। वे अपनी जाति के लोगों को बड़ी कठिनता से ज्ञान देते हैं। विदेशियों की बात तो दूर रही, हिंदू समझते हैं कि उनके जैसा कोई देश नहीं है, उनके जैसा संसार में कोई धर्म नहीं है, उनके जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं है। वह विदेशियों को म्लेच्छ कहते हैं। अलबरूनी की तहकीके हिंद का अंग्रेजी अनुवाद साचाऊ व हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था।
महमूद का राजकवि फिरदौसी था। उसे इमॉर्टल होमर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। उसने फारसी में शाहनामा की रचना की, जिसे अफगानिस्तान की महाभारत के नाम से भी जाना जाता है। बाद में यह बृहत्तर ईरान का महाकाव्य बन गई। इस तरह फारसी संस्कृति से प्रभावित होकर तुर्क न केवल मुसलमान वरन फारसी भी बन गए, और बाद में इसी मिलीजुली संस्कृति को लेकर उन्होंने भारत में प्रवेश किया। कहते हैं कि शाहनामा को लिखने में फिरदौसी को करीब 30 बरस लगे। महमूद ने फिरदौसी को वचन दिया था कि वह शाहनामा के हर शब्द के लिए उसे 1 दिनार देगा। वर्षों की मेहनत के बाद जब शाहनामा तैयार हुआ और फिरदौसी उसे लेकर गजनवी के दरबार में गया, तो गजनवी ने प्रत्येक शब्द के लिए 1 दिनार के बजाय 1 दिरहम का भुगतान करा दिया। यह कुछ ऐसे ही था जैसे 1 रुपये के बदले 1 पैसा दिया जाए। फिरदौसी को बादशाह पर बड़ी खींच हुई। वह बिना कुछ लिए अपने गांव वापस लौट गया। कहते हैं जाते जाते वह शाहनामा में एक कविता जोड़ गया, जिसमें उसने महमूद की घोर निंदा की। वे पंक्तियां इतनी प्रभावशाली थीं कि जल्द ही वे पूरे साम्राज्य में फैल गईं। कुछ साल बाद महमूद के विश्वास पात्रों ने उससे निवेदन किया कि फिरदौसी को उसी दर से भुगतान किया जाए जो तय की गई थी। उन्होंने बताया कि हम साम्राज्य के जिस कोने में जाते हैं, हमें वे ही पंक्तियां सुनने को मिलती हैं। उन्हें सुन हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। महमूद ने आदेश दिया। दीनारों से भरी गाड़ी फिरदौसी के गांव पहुंची। गांव से फिरदौसी का जनाजा निकल रहा था। सारी उम्र गरीबी, मुफलिसी व तंगी से काटने के बाद फिरदौसी मर चुका था। कहते हैं कि उसकी एकमात्र संतान, उसकी लड़की ने भी यह धन लेने से इनकार कर दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गजनवी धर्मांध नहीं था और उसने भारत पर आक्रमण धार्मिक उद्देश्यों को लेकर नहीं वरन लूटपाट के उद्देश्य से किए थे। उनका कहना है कि महमूद एक पवित्र मुसलमान शासक था जो अपने धर्म का अत्यधिक सावधानी से पालन करता था। वह कभी इस्लाम के नियमों से विचलित नहीं हुआ और उसने भारत में अपने आचरण द्वारा इस्लाम का मस्तक ऊंचा किया। उस युग के भारतीय महमूद को शैतान का अवतार मानते थे। उनकी दृष्टि में वह एक साहसी डाकू, लालची लुटेरा व कला का निर्दयी नाशक था। वह हजारों निर्दोष पुरुषों, स्त्रियों व बच्चों को दास बनाकर ले गया। गजनी के बाजारों में दासों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्हें 2-2 दिरहमों में बेचा गया। जहां भी महमूद गया वहां उसने निर्दयतापूर्वक हत्याकांड किए और लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कर उन्हें इस्लाम कबूल करवाया। वह अपने पीछे उजाड़ नगर, गांव व निर्दोषों की लाशों को छोड़ गया। ऐसे पैशाचिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को भावी पीढ़ियां राक्षस समझकर ही याद कर सकती हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। गजनवी ने हिंसा व लूटपाट कर गजनी को बड़ा समृद्ध कर दिया था, किंतु हिंसा की नींव पर टिका साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं टिकता। उसके मरते ही उसके परिवार वाले आपस में ही लड़कट मरे। लेनपुल लिखते हैं, अपने पीछे उसने एक असंबद्ध व अव्यवस्थित साम्राज्य छोड़ा। अपने जीवन काल में तो उसने बड़ी तत्परता व सावधानी से उसकी रक्षा की थी, किंतु जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई वह छिन्न भिन्न होने लगा। महमूद के मरते ही उसके जुड़वा बेटों मसूद व मोहम्मद में उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया। मसूद जीत गया। उसने अपने भाई मोहम्मद को अंधा कर कारागार में डाल दिया। 1040 में मसूद को सलजूकों ने पराजित कर उसकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। मसूद के सैनिकों ने विद्रोह कर सत्ता को उसके अंधे भाई मोहम्मद को सौंप दिया। कुछ समय बाद मसूद के पुत्र मदूद ने मोहम्मद को पराजित कर उसकी व उसके पुत्र की हत्या कर दी। मदूद एक दुर्बल शासक था जिसने 1040 से 46 तक राज्य किया। उसकी मृत्यु के बाद कई अयोग्य सुल्तान गजनी की गद्दी पर बैठे। गजनी के पतनशील राजवंश को सबसे बड़ा संकट गोर के छोटे से राज्य के कारण उपस्थित हुआ। गोर के अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह लूटा और उसे जलाकर नष्ट कर दिया।
इसी कारण अलाउद्दीन हुसैन का नाम जहां सोज अर्थात विश्व को जलाने वाला पड़ गया। 12वीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने महमूद के वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक को बंदी बना लिया। बाद में उसकी हत्या कर दी गई और इसके साथ ही उस दुराचारी अक्रांता महमूद के वंश का समूल नाश हो गया। उस निर्दयी क्रूर लुटेरे गजनवी को मरे आज सदियां बीत चुकी हैं, किंतु उसी के नक्शे कदम पर चलने वाले आतंकी देश पाकिस्तान को आज भी उसकी याद सता रही है। उसने अपनी परमाणु बम ले जाने में सक्षम मिसाइल का नाम गजनवी रखा है। हालांकि यह ठीक भी है, क्योंकि एक आतंकी का आदर्श दूसरा आतंकी ही हो सकता है, न कि कोई विद्वान अथवा साधु महात्मा।